हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मुतुल कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल लोकेशन चैनल। आज इस वीडियो के फ्रेंड्स एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक कवाल की चीज लेके आया हूँ। जैसे बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उन लोगों का गूगल एडसेंस है, चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जिसे उनका पैसा आ रहा है वो सीधे गूगल एडसेंस में जाता है। लेकिन उनके एक चीज दिक्कत आ रही है कि जैसे उनके $10 हो पा रहे हैं, लेकिन उनका जो एड्रेस का वेरिफिकेशन कोड जो 6 डिजिट का गूगल एडसेंस की तरफ से जो भर जाता है बट वो नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत इसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी बता देता हूँ कि जब आपका एडसेंस वहां से चलता है, जब आपके $10 हो जाते हैं, उसके 48 आवर्स के बाद आपका एडसेंस जो चलता है वहां से, आपकी डेट दिखा दी जाती है कि आपका 18 तारीख को, 17 तारीख को, 16 तारीख को, जिस डेट को चलता है उस डेट को दिखा दिया जाता है, जिस समय चलता है वो दिखा दिया जाता है कि 18 तारीख को चला तो 18/2017 लिख के दिखा देता है, जब 19 चल रहा है 19/2017 लिख के दिखा देता है, और जनवरी ऐसे करके दिखा देता है। लेकिन जैसे कि उसमें ये भी दिया जाता है कि 2 से 4 अराइविंग डेज, मतलब 2 से 4 वीक्स अराइविंग डेज के अंदर अंदर आपका आ जाएगा। लेकिन जैसे कि आप कोई सिटी में रहते हैं तो मुश्किल से 11 दिन में 12 दिन में 100% आ जाता है। अगर कोई विलेज साइड में रहता है तो उसका 17 से 18 दिन में आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको 2 से 4 हफ्ते के बीच में, मतलब 4 हफ्ते होते होते उससे पहले ही 3-4 दिन पहले आपको उसमें रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन दिखा देता है। तो उसकी प्रोसेस मैं पूरे बताऊं कि आपको क्या प्रोसेस करना है, किस लिए आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कराना है। जैसे कि आपका 2 से 3 से 4 एड्रेस मतलब रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन आएगा, आप उसको दोबारा करिए, फिर आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। जब आप 30 दिन का वेट कर लेंगे, अगर फिर आपका नहीं आता है तो उसमें एक बढ़िया सी लाइन लिख के आएगी और वहां पे फॉर्म दे दिया जाएगा फिलअप करने के लिए। तो आप वहां पर फॉर्म अपना फिलअप, अपना नाम भरिए, आपका एड्रेस, और आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है या फिर अपना आधार कार्ड भी उसमें लगा के आप अपना पिन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्रोसेस है कि आपका जो पहली बार नहीं आया है, आपका जैसे आपको पहली बार नहीं पहुंच पाया है, शायद दूसरी बार पहुंचा, तो पहली बार जब नहीं आता तो उसमें रिक्वेस्ट पिन की किस तरीके लगाएंगे उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, आप टेक्निकल विजन चैनल के फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो, चाहे रिव्यू से है, टेक टॉक से रिलेटेड कोई वीडियो हो, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना एडसेंस, जैसे ये मेरा ओपन कर लिया है, आप अपना एडसेंस लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर जो एक एसएमएस दिख रहा होता है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, इस तरह का आप दिखा रहा होता है। इसमें आप बगल में जाकर एक्शन पर क्लिक कर दीजिए। एक्शन पर क्लिक करते ही आपको दिखाता है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस डेट को चलता है 18/2017 ऊपर दिखा रहा है। अब यहाँ से इसी तरीके आपको दिखाया होता है, इसका लिख के दिखा रहा है कि योर पिन एवर बी टेक टू 2 से 4 वीक अराइविंग डिपेंडिंग ऑन द पोर्टल सर्विस के अकॉर्डिंग, आपका 2 से 4 हफ्ते के बीच में आपका पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं आ पाता है तो आपको नीचे इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, पिन आर प्रिंटेड 4.56 इंचेज आर पोस्टल कोड टू 3 से 5 डेज आफ्टर डेट लिस्ट एवर टू 3 से 6 वीक डिलीवर्ड इन द मेलर एंड शो टू आउटसाइड पिन मेलर। अगर आप इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ पर रिक्वेस्ट पिन करके आप द्वारा रिक्वेस्ट पिन भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप रिक्वेस्ट पिन में क्लिक करेंगे तो लिखा है कि रिक्वेस्ट एंड न्यू पिन, लिखा नीचे यस जनरेटेड एंड मेल पिन एंड नो चेंज माय एड्रेस फर्स्ट। तो मैं यस जनरेटेड एंड मेल पिन पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो पिन है द्वारा वहाँ से भेज दिया जाएगा। और जो अगर आप नो जनरेटर पे क्लिक करते तो वहाँ से आप नो करके आप अपना अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आप वहाँ से एड्रेस भी चेंज कर सकते थे। इसी तरीके आप देख लिए, यहाँ पे जाकर अंदर जाकर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर बाद मैंने रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन लगा दिया है। अब देखिए ये बिल्कुल फीका फीका कलर का हो गया है, इसलिए अब ये दिखेगा नहीं। और यहाँ पर सबमिट के भी ऑप्शन, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेरे पास दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएगी और यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। अब थोड़ी देर में मतलब 24 आवर्स में ये अब मेरा लेटर वहाँ से चल देगा। अगर फिर हाल नहीं पहुँच पाता है दोबारा 2 से 4 वीक के अंदर, तो आपको जहाँ पर आप देख रहे थे
कि यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन, इस जगह रिक्वेस्ट पिन का ऑप्शन ना करके यहाँ पर आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, वहाँ पे आएगा अपना नाम, ईमेल और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लेंगे। बस आपको इतना ही करना होगा और बस आपका ये जो होगा आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपका जो 21 तारीख को जो पेमेंट आता है वो आपको 21 तारीख का नॉर्मली पेमेंट आ जाएगा। इस बस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, इसके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो बगल में लाल नीचे ब्लैक कलर का जो लाइक का बटन है उसको नीला कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो नीचे जो कमेंट का बॉक्स दिया है वहां पर कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।